हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन के पेपर की। इसमें आज हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज कितने आते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, और इसका हम पैटर्न भी देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यू INC सिलेबस आपका क्या पैटर्न रहता है। ये आपका 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है September 2024 का, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। आपका जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 3 आवर रहता है, आपको 3 घंटे मिलेगा, और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है जो आपको कॉलेज की तरफ से नंबर दिए जाते हैं। सबसे पहले हमें पेपर मिलता है तो हमें सबसे पहले अपनी कॉपी में पेपर कोड फिल करना होता है। इसके बाद में जो भी इसके इंस्ट्रक्शन है वो हमें रीड करने होते हैं। जैसे इसमें नोट लिखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन सिक्वेंस, ड्रॉ नीट लेवल डाइग्राम वेयर एवर नेसेसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सीक्वेंस से अटेम्प्ट करने हैं, और आपको जहाँ पे नीड हो डायग्राम की तो वहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका आता है लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 15-15 नंबर के होते हैं, आपके टोटल मार्क्स हो गए 30 नंबर के। 30 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन पहुँचे जाते हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन आइडियो विजुअल एड्स। यहाँ पे आपको आइडियो विजुअल एड्स के बारे में बताना होगा। राइट द प्रिंसिपल ऑफ आइडियो विजुअल एड्स, आपको AV एड्स के प्रिंसिपल बताने होंगे। एक्सप्लेन प्रोजेक्ट एज ए मेथड ऑफ टीचिंग, कि प्रोजेक्ट को हम टीचिंग में कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा 1 क्वेश्चन हो गया लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। यहाँ पे आपको फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन डिस्क्राइब करना है। एंड एक्सप्लेन आइडियलिज्म एज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विद एग्जांपल्स। यहाँ आपको आइडियलिज्म को डिटेल में एक्सप्लेन करना है एज ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल भी देना है। ये हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 1 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे, 30 नंबर के आपके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 1 क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 क्वेश्चन के आपको 25 नंबर मिलेंगे। पहला हमारा है ए प्रिंसिपल एंड मैगजिम्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बताने हैं लर्निंग के, और मैगजिम्स का मतलब ये होता है कि जो टीचर होता है वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट को पढ़ाए, क्या मेथड यूज़ करे, कुछ ट्रिप और ट्रिक्स यूज़ करे जिससे कि उसको ईजिली कोई चीज़ लर्न हो सके, तो वो भी हमें यहाँ पे बताने हैं। बी आपका आएगा रोल ऑफ काउंसलर, यहाँ पे आपको काउंसलर का रोल लिखना है। और सी हमारा आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, आपको क्लासरूम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी है। डी क्वेश्चन नंबर है टीम वर्क, आपको टीम वर्क के बारे में बताना है। और ई क्वेश्चन है वो आपका स्टेप इन लेसन प्लानिंग, आपको लेसन प्लान करते समय कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ये आपके हो गए 5 नंबर के 25 नंबर के 5 क्वेश्चन, आपको 1 क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ए आएगा रेटिंग स्केल, बी है डिफाइन OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एंड सी है टाइप ऑफ मास मीडिया, यहाँ आपको मास मीडिया के टाइप बताने हैं। डी है लिस्ट बेनिफिट ऑफ IPR, आपको IPR के यहाँ पे बेनिफिट बताने हैं, वो भी आपको लिस्ट करने हैं। जो आपका यहाँ पे मार्क्स रहेगा वो आपको 1 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा,
तो आपके चार क्वेश्चन हैं, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे 100 आंसर क्वेश्चन के। इसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आएगा एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 12 पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, और ऐसे आपके 12 मार्क्स हो गए एमसीक्यूज़ के। इससे पहले मैंने आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी पेपर है, इसमें चैनल पे डाला हुआ है वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे भी जाके उसको देख सकते हो, और मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो कम्युनिटी का, कि क्या उसका पेपर पैटर्न होता है और एमसीक्यूज किस बेस पे पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर कितने आते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। इसका पहला एमसीक्यूज है, फर्स्ट, हु इज़ द नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन। जो मीडिया, मॉडर्न मीडिया एजुकेशन है, उसके फादर कौन है? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका है फर्स्ट, एगर डेल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, टीचिंग इज, टीचिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, फिलोसफी है, या आपका डी है, बोथ आर्ट एंड साइंस। तो इसका जो आंसर राइट है वो आपका डी है, बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग आपकी आर्ट भी है, साइंस भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी? ए है आपका ओरिएंट, बी है फैसिलिटेट, सी है इंटीग्रेट, डी है इवेलुएट। आपका जो राइट आंसर है वो आपका है फैसिलिटेट। क्वेश्चन नंबर 4th है, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड इक्विपमेंट्स इन रेफर टू एज हार्डवेयर एस्पेक्ट इन द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज। इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी आपका राइट आंसर है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की हम करेंगे बात, विच टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज टू प्रोवाइड रिमोट एसेस टू नर्सिंग एजुकेशन रिसोर्स। इसका आपका राइट आंसर है वो आपका बी है, ई बुक्स एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 6 नंबर की, विच टूल इज ऑफन यूज टू सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सिंग एज स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर रिमोटली। इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका है वेबिनार्स, क्योंकि वेबिनार्स एक ऑनलाइन सेमिनार होता है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टूल से हम जो दूर के स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उनसे हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा वेबिनार्स। इसमें आप वेबिनार्स में आप कोई भी स्लाइड शेयर कर सकते हो, या आपके कोई भी क्वेश्चन आपने जो भी अरेंज किए हैं वो आप उसमें शो कर सकते हो, आप वहाँ पे टीचिंग मेथड कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है 7th, विच क्वाड्रेंट इज नॉन एंड ब्लिंड स्पॉट इन जॉनरी विंडोज। मतलब किस क्वाड्रेंट को हम ब्लिंड स्पॉट के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर है वो आपका है बी, सेकेंड विंड। 8th है, फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड। फॉर्मल एजुकेशन किसको डिफाइन करती है? करिकुलम को। आपका राइट आंसर ए है। 9th है, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एक्सेप्ट। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलर होता है, जो काउंसलिंग होती है, उसमें इन चारों में से उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आपका इसका राइट हो जाएगा आंसर डी, काउंसलर विल ओनली डायरेक्ट एंड गाइडेड। क्योंकि जो डायरेक्ट, ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है काउंसलर विल ओनली डायरेक्ट एंड गाइड्स। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट इज़ द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग। आपको जो लर्निंग का कंपलसरी एलिमेंट है वो आपका क्या है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, टेंडेंसी ऑफ नो, यानी कि जानने की, जब उसके किसी भी स्टूडेंट की या किसी के भी अंदर जब तक जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक वो लर्निंग नहीं कर सकता, इसलिए इसका कंपलसरी एलिमेंट है सी। विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी ऑफ नेचर का इसमें से कौन सा फिलोसफी नहीं है, नेचर ऑफ फिलोसफी इसमें से कौन नहीं है? आपका राइट आंसर है डी, इट इज़ ए
टोटलिटी ऑफ मैन क्रिएटिव आइडियाज़, क्योंकि यहाँ पे मैन आइडिया क्रिएट कर रहा है, बट नेचर ऑफ फिलोसफी का मतलब होता है जो नेचर से होता है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें डी है, क्योंकि इसमें पूछा गया कि जो नेचर ऑफ फिलोसफी नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद में 12th आपका जो क्वेश्चन है, ऑल आर द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का चैनल नहीं है। पहला हो जाएगा टैक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी। इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, गस्टेटरी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले आपने कम्युनिकेशन का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का पेपर नहीं देखा तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।